प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद का कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने निरीक्षण किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। 4 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर तुरंत लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कैबिनेट मंत्री ने जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय अग्रवाल के साथ निरीक्षण कर कोविड टीकाकरण एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ही इस PHC का निर्माण कराया था, जिसका लाभ इस क्षेत्र को लगातार मिल रहा है। उनकी मंशा है कि इसे शीघ्र ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री से बात कर प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में प्रारंभ हुई थी स्वास्थ्य केंद्र के बराबर में खंडहर में तब्दील हो चुकी पुरानी डिस्पेंसरी, उसका भी निरीक्षण किया गया। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं के आशीर्वाद से जलालाबाद में हम लोगों को मिला है और 150 से 200 लोगों की OPD यहाँ रोजाना है, तो यानी कि कुल मिलाकर के क्षेत्र के लोगों को भारी लाभ इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा है। अभी हमारा प्रयास है कि निकट भविष्य में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हम संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC बनाने की तरफ ले जाने का मेरा प्रयास है। और आज जो भवन काफ़ी पुराना है, मुझे अभी दिखाया तो लगभग 125 साल पुराना भवन है, उस भवन की भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अलग है, लेकिन उससे पहले कभी डिस्पेंसरी रही होगी तो उसकी मरम्मत के लिए भी जिलाधिकारी से बातचीत हुई है। अभी उसकी मरम्मत की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे और साथ ही साथ जलालाबाद में कोई यदि गंभीर रोगी आए तो तुरंत उसका उपचार हो जाए, इसलिए 4 कंसंट्रेटर यहाँ जो बेड है उन 4 बेड पर कल से ही यहाँ कंसंट्रेटर की उपलब्धता हो जाएगी, जिससे यदि 80 तक भी किसी की ऑक्सीजन है तो 80 ऑक्सीजन को 94-95 तक ले जाने का काम वो कंसंट्रेटर करेगा और आसपास के देहात के लोगों को इसका भारी लाभ मिलेगा। सैकड़ों गांव इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ लगते हैं। हमारी मंशा यही है कि सबको स्वास्थ्य सुरक्षा मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली 25 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, और इसीलिए लगातार बैठक का दौर जारी है। निगरानी टीमें भी बेहतर काम कर रही हैं, यहाँ के स्टाफ की यहाँ के लोगों ने बहुत तारीफ की है, मैं बधाई देता हूँ। और हम सब मिलकर के कोरोना काल में मेरा सबसे आग्रह है, हमारे समाजसेवी यहाँ मौजूद हैं, पत्रकार मित्र हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है एक टीम के रूप में हम काम करें और इस समय जो संकट जिस संकट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से देश लड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, हम सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मुझे कहना था। बहुत धन्यवाद।